और सिंध में खैरपुर नाथन शाह के करीबी गांव का नौजवान आबिद बब्बर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश है। वो कश्ती खरीद कर अपने इलाके के लोगों के लिए किसी मुआवजे के बगैर इमदादी और बचाव का काम कर रहा है। खैरपुर नाथन शाह का गांव लूलजा, जो दूसरी बार सैलाब आने के बाद सबसे पहले डूबा। गांव के नौजवान आबिद अली बब्बर ने अपने लोगों का एहसास किया और दोस्तों ने 7 लाख रुपए इकट्ठे किए, कश्ती खरीदी और मल्लाह की मदद से 2000 से जायद मुतासरीन को रेस्क्यू किया। कश्ती हमने हमारे जो दोस्तों का सर्किल है, हमने वो कंट्रीब्यूशन करके फंडिंग करके हमने वो ली थी। ये 7 लाख में हमने गीजर और ठट्टा से बोट मंगवाई थी। एक महीना हो गया, 34वां दिन है, हम यहाँ लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। 2500 तक हमने जो लोग हैं वो पूरी तहसील से हमने रेस्क्यू किए हैं। आबिद अली ने मुख्तलिफ रफाई और फलाही इदारों से मिलने वाला इमदादी सामान भी मुतअद्दिद देहात में तकसीम किया। जो भी फ़ोन करता है, किधर भी फ़ोन करता है, मेरे से साथ चलता है, उसको निकाल के मैं यहाँ मतलब जोई ब्रिज पर आता हूँ। इसी कश्ती के जरिए डॉक्टरों और अद्वियात समेत मुतासरा देहात में पहुँच कर बीमार मुतासरीन को तिबी इमदाद भी फराहम की। यहाँ पर पहले से 700-400 किराया लेते थे। जिस दिन से आबिद भाई ने बोट खरीदी, लोगों को मुफ्त में लिया और बहुत लोग इसको दुआई करे थी, बहुत हमें खुशी हुई। हमारा शहर का नौजवान हमारी में खिदमत कर रहा है, हमें बहुत खुशी हुई। आबिद जैसे लोग यकीनन मुल्क और कौम का सरमाया हैं, जिन्होंने तमाम तर वसाइल बरुए कार लाते हुए सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की। लियाकत अली मलिक, समा खैरपुर नाथन शाह।